हमारे भगवान शिव। कभी देखा है? कभी किसी सीरियल में या बुक में पढ़ा हो, फेयर हैंडसम लगाते थे भगवान शिव। गोरा बनो, लड़कों की कमी क्रीम है, लड़कियों की क्रीम फेयर लवली मत लगाओ। शाहरुख खान ऐड आद करता है, ऐसा ऐसा करके क्रीम लगाता है, कोट वोट पहन के चारों तरफ लड़की आ जाती है। अरे झूठ है वो। जो आदमी अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है ना, निकम्मा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा उससे। किसी पावरफुल आदमी को देखो, फेशियल कराते हुए फेशियल करा रहा है क्योंकि अरे ये जो भोग विलास या जो समझते हैं कि हम स्त्रियों को लड़कियों को आकर्षित कर लेंगे सुंदर दिख करके। सर लड़कियां भी समझदार हैं, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, लड़कियां भी नहीं जाती उसके पास। आप तैयार करो ना अपने आप को, खूब पैसा वाला बनाओ ना, धन ढंग से टीम बनाओ ना, 5-7 लाख रुपए महीने का कमाओ ना। लड़की वाले लाइन लगाए खड़े होंगे, अरे हमें चाहिए लड़का, हमें चाहिए, हमें चाहिए। एक लाइन से आप बोलोगे शादी करना है ना हमारे बेटे से, आपके पापा कहेंगे हमारे बेटे शादी करना, लाइन लगा खड़ा हो बाहर, लाइन लगा खड़ा हो तब हमारा बेटा देखने आएगा। और नहीं कितना भी फेयर हैंडसम चुप लो, फेशियल करा लो, कोई नहीं आएगा देखने, कोई नहीं आएगा, कितना भी सुंदर दिख लो। पैसा बोलता है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना कोई त्योहार नहीं बनता जी, कोई त्योहार नहीं। वो भगवान जब कभी गुच्ची का बेल्ट और जूता नहीं पहनते, कभी चश्मा, स्टाइलिश हेयर, जींस टी शर्ट, कोट, टाई, कभी नहीं। ऐसे लेटा रहता धतुरा उतरा लेकर के, भांग ना भांग, नाक गले में ऐसा चांद, इधर इधर से गंगा निकल रही, लुक्स का परवाह ही नहीं उसको। लेकिन फिर भी पत्नी पार्वती पूजा करती है, भाई साहब शिव हमारे पति, क्यों? क्योंकि वही भगवान शिव हैं जिन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके अपने घर बोला था मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ। बोले मगमाल पानी का कुछ इंतजाम, बोले कुबेर से बात कर लेना। सुनो यह रुतबा हो पत्नी कैसे नहीं पूजा करेगी? आप ज्यादातर लोग आप देखते हो कि मिडिल क्लास में शिकायत है, हमारी पत्नी तो हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा बेटा ही बात नहीं सुनता, हमारे घर में हमारा तो कोई सुनता नहीं। कहां सुनेगा, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सच बता रहा हूं, बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा? अपनी हार का परिचय दे रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। कलयुग जन, कलयुग है, कलयुग कलयुग कलयुग, यहां ज्ञान से आता है पैसा और पैसे से आता है पावर, और जिसके पास पावर है उसकी इज्जत है, उसके साथ लोग सेल्फी के साथ खिंचाते हैं, उसको लोग दुआ सलाम करते हैं। रिक्शे वाले को कभी कोई सलाम नहीं करता, कभी टेम्पो वाले को, कभी कोई राह चलते मजदूर को कोई सलाम नहीं करता। इंसान तो वो भी है, इंसान तो आप हम भी है, इंसान मुकेश अंबानी भी है, इंसान शाहरुख खान भी है, फर्क क्या है जी? शाहरुख खान कहीं रोड पर मिल जाए भीड़ लग जाएगी सेल्फी लेने के लिए। आप जाओ रोड पर, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन ये सच तो है, होगा ही कहीं ना कहीं। चौकीदार भी आपको भाव ना दे, चौकीदार भी बोलेगा साइड से चलो, ए इधर से कहा साइड, उधर उधर से रास्ता, उधर से आओ। भाई साहब ये इज्जत है, मैं आपको झंझोलना चाह रहा हूं, अंदर से झंझोलना चाह रहा हूं। पैसे पैसा चाहिए, पैसा नहीं है इज्जत नहीं है। वो जो कमेंट आया था ना बिल्कुल सही आया था, बस उन्होंने एक चीज गलत बोली कि पैसा पैसे वालों के लिए दिवाली है। मैं करेक्ट करता हूं सर, पैसे वालों के लिए सिर्फ दिवाली नहीं है, पैसे वालों के लिए हर एक त्योहार है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना बैठ करके कुर्सी पे, संतोषम परम सुखम, पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो, सर उनके पास भी बहुत पैसा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनते हो। उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। रास्ते पर कोई ठेले पर बैठ करके मजदूर आपको ज्ञान देने लग जाए, अरे पैसे के पीछे मत भागो, संतोष करो, शांति करो, सुनोगे उसकी बात क्या? कभी नहीं सुनोगे आप, कभी नहीं सुनोगे। सर पैसा है, पैसा पैसा बोलता है, और पैसे के पीछे ज्ञान है। अगर अपने मां लक्ष्मी की भाषा में बोलूं तो मां लक्ष्मी या तो श्री गणेश के साथ मिलेगी यानी कि बुद्धि जिसके पास है, मां लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ मिलेगी यानी कि जिसके पास पावर है, मां लक्ष्मी या तो सरस्वती के साथ मिलेगी जिसके पास ज्ञान है, और इन तीनों के अलावा मां लक्ष्मी आपको कहीं नहीं टकराने वाली। बैठ करके भजन कीर्तन करते रहो, हा लक्ष्मी आ जा आ जा आ जा आ जा, लक्ष्मी आएंगे एक तमाचा मार के निकल जाएगा, भाई सच कुछ है तुम्हारे पास, क्यों आऊं मैं,
बेवकूफ कहेगा। मेरी बात से अग्री करते हो, चैट पे मुझे जल्दी लिख के बताओ, चैट पे जल्दी मुझे लिख के बताओ मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो अग्री 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 चैट पे जल्दी लिख के बताओ, चैट पे जल्दी लिख के बताओ अग्री अग्री लिख के बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।